अब टोल प्लाजा पर एचआरटीसी की इंटरस्टेट दौड़ने वाली बसें नहीं रुकती। टोल प्लाजा पर कटने वाला टोल टैक्स अब एचआरटीसी बसों में लगे फास्टैग से खुद ब खुद निगम के बैंक अकाउंट से कट जाता है। इंटरस्टेट जाने वाली बसों पर निगम के फास्टैग की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक चिप बस की विंड स्क्रीन पर लगाई गई है। टोल प्लाजा से गुजरते समय वहां लगे सेंसर निगम की बसों पर लगे फास्टैग को स्टडी कर लेते हैं और निगम के बैंक अकाउंट से टोल टैक्स कट जाता है। ऐसे में अब कंडक्टर्स को टोल प्लाजा पर पैसे देने व पर्ची कटवाने के लिए बस से नीचे नहीं उतरता और समय की बर्बादी भी नहीं होती है। अब टोल प्लाजा पर एचआरटीसी की इंटरस्टेट दौड़ने वाली बसें नहीं रुकती। टोल प्लाजा पर कटने वाला टोल टैक्स अब एचआरटीसी बसों में लगे फास्ट टैग से खुद ब खुद निगम के बैंक अकाउंट से कट जाता है। इंटरस्टेट जाने वाली बसों पर निगम ने फास्ट टैग की व्यवस्था की है, जिसमें एक चिप बस की विंड स्क्रीन पर लगाई गई है। टोल प्लाजा से गुजरते समय वहां लगे सेंसर निगम की बसों पर लगे फास्टैग को स्टडी कर लेते हैं और निगम के बैंक अकाउंट से टोल टैक्स कट जाता है। ऐसे में अब कंडक्टर्स को टोल प्लाजा पर पैसे देने या पर्ची कटवाने के लिए बस से नीचे नहीं उतरना पड़ता। गौरतलब है कि निगम द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में टोल प्लाजा पर लगने वाले समय की बर्बादी को रोकने के लिए निगम ने अपनी बसों में ये व्यवस्था स्थापित की है। आरएम एचआरटीसी धर्मशाला पंकज चड्डा ने कहा कि एचआरटीसी धर्मशाला ने इंटरस्टेट जाने वाली सभी बसों में फास्टैग लगा दिया है। फास्टैग में गाड़ी की विंड स्क्रीन पर एक चिप लगी होती है। जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है तो वहां लगा सेंसर फास्टैग को स्टडी करता है और निगम के बैंक अकाउंट से टोल प्लाजा के पैसे कट जाते हैं। कंडक्टर को टोल प्लाजा में पैसों का लेन देन नहीं करना पड़ता। हमारी जितनी भी इंटरस्टेट गाड़ियां जाती है, जो कि अलग अलग प्लाजा से गुजरती है, उसके लिए हमने अपनी सभी गाड़ियों में जो इंटरस्टेट चलती है उनमें फास्टैग लगा दिया है। फास्टैग में एक चिप लगी होती है जो कि गाड़ी के आगे विंड स्क्रीन के ऊपर होती है, और जैसे ही हमारी गाड़ियां टोल प्लाजा क्रॉस कर रही हैं तो टोल प्लाजा में जो सेंसर लगे होते हैं वो सेंस कर लेते हैं उसको। उसके कारण जो हमारा कंडक्टर पहले पैसे का लेन देन टोल प्लाजा पे करता था, रुकता था, अब उससे वो जो काम वो करता था वो रुक गया है और अब क्या सीधे ही गाड़ी जाती है उस सेंसर जो उस फास्टैग को स्टडी करता है और उसके हमारे बैंक अकाउंट से ही जो टोल प्लाजा के पैसे कट जाते हैं उससे जो हमारा टाइम जो टोल प्लाजा में लगता था उससे हमें राहत मिली है। कार्यक्रम में वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे धर्मशाला की ओर, जहां पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर 15 जनवरी के बाद चीन से भारत आए लोगों की काउंसलिंग की जाएगी।